नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और T20 मैच की शुरुआत होने वाली है आज के दिन। दूसरा T20 है वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का, और आज के दिन हम लोग वेस्ट इंडीज की टीम बनने वाले हैं। स्टेडियम इकाना स्टेडियम लखनऊ का है नहीं हमारे पास, तो हमको दिल्ली के स्टेडियम में शुरू करना पड़ रहा है। और डिफिकल्टी वही हमने रखी है, हार्ड बैटिंग बॉलिंग सबसे हार्डेस्ट। और लास्ट मैच हम लोग हार गए थे, आप लोगों को पता ही है। कहने के लिए हम लोग डिफिकल्टी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन मैच जितना मुश्किल हो रहा है, खास करके ऑटो प्ले में। और अच्छी बात ये रही है कि जो लोग कहते थे कि भाई वन साइडेड मैच होता है ऑटो प्ले में, तुम हर बार जीतते हो, तो उनको भी जवाब मिल गया था कि भाई ऐसा नहीं है। जब चीज़ें एकदम रैंडम ऑर्डर में होती हैं तो मुश्किल हो जाता है कई बार। यूनिफॉर्म मैंने नई डाउनलोड की, अभी अभी दोनों टीमों की नई यूनिफॉर्म डाउनलोड की है, और देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस निकलता है, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी टीम डाउनलोड की है नई। कोशिश की थी ओरिजिनल टीम बनाने की, खास करके वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन बहुत सारे प्लेयर टीम के नहीं हैं असली टीम में। नाम भी भूल गया एक्चुअली, मैं भी उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, पर नहीं है गेम में, तो मजबूरी में हमको जो टीम प्लेयर हैं उन्हीं के साथ रखना पड़ा है। मैंने कप्तान चेंज करना भी यार रह गया। किरण पोलार्ड की कप्तानी में खेल रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, जो कि गलती से इसमें अभी भी बदले नहीं हैं। देख सकते हैं आप लोग, पुराना मैच कंपेयर करेंगे, सिर्फ लास्ट मैच और ये मैच कंपेयर करेंगे तो देख सकेंगे कि कितना फ़र्क है यहाँ पर यूनिफॉर्म्स में दोनों टीमों की। टीम आपके सामने है, कार्लोस ब्रेथवेट कप्तान बन गए हैं, आप देख सकते हैं। बांग्ला अफगानिस्तान में तो सही है, यहाँ पर अफगानिस्तान में कप्तान हमारे रशीद खान ही है, तो वो उस चीज़ सही है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है आज की कंडीशन के हिसाब से, मैच खेलने के लिए तैयार हैं हम लोग। और अफगानिस्तान का कॉल है अभी, भाई भयानक लग रहे हैं कार्लोस ब्रेथवेट, ऐसे लगते तो जरा भी नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि हाइट किसी शरीर किसी और का है, चेहरा किसी और का लगा दिया है, और हेयर स्टाइल भी किसी और की है। रशीद खान यहाँ पे जीते हैं टॉस, अफगानिस्तान जीता है टॉस, पहले बैटिंग का फैसला किया है। चलिए देखते हैं हमारी बॉलिंग आएगी, रन चेज करना होगा आज के दिन। पिछली बार रन चेज भारी पड़ गया था, क्योंकि 15 ओवर के बाद हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं था कि हम लोग जीत पाए। ऑलरेडी हमारे पास विकेट का प्रॉब्लम होता है, और उस 15 ओवर में तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो आज फिर यहाँ पर वेस्ट इंडीज कोशिश करेगी हमारे साथ जीतने की, लास्ट मैच जीती थी और रियल में भी जीती थी। और देखते हैं इस T20 मैच में अंत में कौन सी टीम विजेता बन के खड़ी होती है। एंट्री पड़ती हुई सारे हमारे आज के अपोजिशन, हमारे बॉलर्स फील्डर्स बैट्समैन अंपायर्स की, एक बड़ा मैच यहाँ पे, क्योंकि पीछे हो गई अफगानिस्तान यहाँ पर 1-0 से, तो कोशिश करेगी कि यहाँ से जीत के निकले वो। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, एम्पायर के इशारे का इंतजार, पब्लिक यहाँ पे हो गई है आउट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के लिए यहाँ पे हमने पहली गेंद डालेंगे, उसके बाद 15 ओवर का हिस्सा ऑटो प्ले में जाएगा इसका। हाल फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, डॉट गया है गेंद, हम बढ़ेंगे अब अगली गेंद की तरफ, सिमुलेट करेंगे इनिंग को, और 10 ओवर पहले ऑटो प्ले में डालेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। जी हाँ, 5 ओवर करने के लिए मुझे तो ठीक लग रही है सिचुएशन, ऑल आउट तो होगी नहीं है। जी हाँ, बल्कि बढ़िया रहा है वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे ख़राब किया है गेंदबाजी में। चलिए ठीक है, 15 में 107 इतना भी ख़राब नहीं है। फील्डिंग सेटअप जो लगाई गई है आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ओपन फील्ड है, रन बनाना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी पहली गेंद पे चौका लगा है, रहमत शाह और स्टैनजी काई यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, और गेंद मैच की हमारी एक्चुअली जो रियल पहली गेंद थी, वो पहली ही गेंद 4 रन के लिए जा चुकी है। और अगला शॉट कैच के लिए कॉल आया है, मेरे ख्याल से ये कैच होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लेयर काफ़ी दूर है बाउंड्री लाइन से। अरे बाप रे, लेकिन बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा है यहाँ पे। और जी हाँ, एक आसान कैच रहा है, आप देख सकते हैं बाउंड्री काफ़ी दूर है, क्रिस गेल को यहाँ विकेट मिलता है, वो रियल लाइफ में तो है नहीं क्रिस गेल, लेकिन इस गेम में भयानक बना है, ऐसा लग रहा है कोई भाई महीनों से नहाया नहीं है बंदा, उसके मुँह पर दाढ़ी बाल पड़ गए हैं, बस पानी डाल के उसके पास चिपका दिए हैं और बना दिया है उसे वेस्ट इंडीज के कपड़े में भेज के। बड़ा विकेट कहलाएगा, क्योंकि रहमत शाह अग्रेसिव खेलना शुरू करे ही थे कि उनका विकेट का पतन हो गया है। मोहम्मद नबी आए हैं बैटिंग करने, क्रिस गेल पहली विकेट ले चुके हैं आज के दिन की, और गैप में गया ये गेंद, चौका रुकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। रन रेट बढ़ता हुआ यहाँ पे, 7.5 से भी कम का रन रेट था, इसके बावजूद 3 गेंदों में यहाँ पर हमने दे दिए हैं 4 रन, तो अब
कैसे वापसी करेंगे वो देखना मुश्किल होगा इस ओवर में। एक और गेंद यहाँ पे जाती हुई लेकिन फाइनली रोक लिए किसी तरह से। नबी यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और चिकाई को भेज दिया है स्ट्राइक पे, जिन्होंने 10 गेंदों में 12 रन बनाए हैं। लेकिन इस बार फील्डिंग सेटअप की गैप का पूरा फायदा नहीं उठा पाए हैं और आउटफील्ड में कमी है कि शॉट में कमी है वो अभी समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से 2 चौके भी लगाए थे और यहाँ पर 2-2 गेंदें बाउंड्री के पास जाकर रुकी भी हैं, तो देखना कहना बहुत मुश्किल है। 11 रन ओवर से आए हैं और स्कोर पहुंच गया 120 पे 16 ओवर के बाद, तो अभी भी यहाँ पर वेस्ट इंडीज के पास इनफ मौका है वापसी करने का। विकेट की बात करें तो 4 विकेट गंवा चुकी है। स्पिनर पे ज़्यादा भरोसा है, सुनील नारायण ये भी रियल मैच में नहीं है, लेकिन इनकी पोजीशन पे जो बंदा आता था वो भाई गेम में नहीं था हमारे। और यहाँ 6 लगता हुआ पहली गेंद पर, प्लेयर एग्जैक्ट उसी पोजिशन पर है यहाँ पर जहाँ पर से गेंद बाउंड्री के अंदर गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेयर की पहुंच से बहुत दूर। लगातार दूसरी गेंद कर रहे हैं, पता नहीं यही गलती तो नहीं हो रही मेरे से, लगातार दूसरा करने का रीजन भारी तो नहीं पड़ रहा। सिंगल यहां पे आता हुआ, आर्म बॉल की तैयारी कर रहे हैं, यहां पे फ्लाइट कराएंगे गेंद को और सिंगल एक और ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड में। और यहाँ पर सुनील नारायण खाली हेयर स्टाइल से सुनील नारायण लग रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा नज़दीक से और दिखेंगे, ऐसे दूर से नहीं लग रहे सुनील नारायण, अब हो सकता है नज़दीक से सुनील नारायण हो, चेहरा दिखा नहीं रहे, क्लोज दिखाएंगे तभी पता चलेगा। बड़े शॉट की लगातार कोशिश हो रही है लेकिन 38 के प्लेयर को हाल फिलहाल बीट नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया की थी नबी ने, लेकिन पिछली 2 गेंदें डॉट खेल दी हैं यहाँ पे और ओवरऑल सुनील नारायण ने लाजवाब गेंदबाजी की। अब एक बार स्कोर का, अरे रे यही बाकी था, 15 रन आए, अभी भी 2 ओवर में 15 रन खराब नहीं है, रन रेट जो है अभी भी रन रेट से कम है, अभी भी रन रेट से कम चल रहा है बॉलिंग का परफॉर्मेंस। बोले एक गेंद इस बार, गेंद को अंदर की तरफ लगातार अटैक कर रहे थे, फिर स्केल है और यहाँ पर स्केल आए ओवर चेंज हुआ है कोई नहीं मालूम पड़ता बोला, और लगातार स्टंप पे गेंदबाजी करने का फायदा है ये। स्टान जी का ही मानने गए थे 38 के ऊपर से मिस हो गए, मिडल पे गेंद थी, बहुत बुरी तरीके से बोल्ड हुए। नजीबुल्ला जदरान आए हैं यहाँ पे और 17.1 का हो गया है यहाँ पे, मैं कोशिश ये करूँगा कि साइड चेंज करके डालूँ, पहली गेंद ही टॉप स्पिन कराने की कोशिश है, बिल्डिंग सेटअप ऑलरेडी काफ़ी फैला हुआ है तो आसान नहीं होगा चौका लगाना। अरे रे लेकिन कैप में खेल गए हैं, अरे यार भाई फोटो प्ले का कुछ भरोसा है नहीं हमारे साथ, मैं पहले ही बता दूँ, हो सकता है हमारे यहाँ पर इनके भले 3 विकेट गए हैं, हमारे 7-8 विकेट गिर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इस गेम में, तो भाई आप कुछ भरोसा कर नहीं सकते यहाँ पर किसी का। बड़े शॉट की फिर से कोशिश की थी, इस बार गैप उतना मिला नहीं है तो सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। 17.3 यहां पे ओवर हो गया है, अगली गेंद यहां पे ऑफ ब्रेक करते हुए स्टैंडर्ड डिलीवरी की तैयारी है और गैप में जाता हुआ गेंद, लेकिन प्लेयर इस बार पहुंच गया है लेकिन 2 रन नहीं रोक पाया अनफॉर्चुनेटली, थ्रो भी मेरे ख्याल से कीपर की साइड देना ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसे भी दोनों तरफ पहुँच गए कोई बात नहीं, तो टॉप स्पिन समझ ही नहीं आ रहा। चलिए एक शॉर्ट पिच गेंद डालते हैं, अंदर की तरफ आएगी ये गेंद पिच खा के, एज लगता हुआ, एज से भी यहाँ पे सिंगल आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, नहीं तो कई बार पिटाई हो जाती है यहाँ पर। 200 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे 10 गेंदों में 20 कर चुके हैं नबी, आम बॉल डाल रहे हैं हम लोग, नॉर्मल डिलीवरी है, फ्लाइट कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। हाल फिलहाल सिंगल से ही ओवर पूरा होगा, ये रन रेट 8 को क्रॉस नहीं हुआ है, 2 ओवर अभी जो बाकी है। स्पिनर, अरे यार स्पिनर से ही गेंदबाजी कराने में मैं अवॉइड करता हूँ स्पिनर को, आपको बता दूं अगर मैं लास्ट के ओवर जब आते हैं तो स्पिनर को अवॉइड करता हूँ। और क्या गेंद की है यहाँ पे, साइड चेंज करूँगा मैं, मुझे मालूम है कि एक गेंद अच्छी की है तो फिर मतलब नहीं होता साइड चेंज करने का, लेकिन इस सिनारियो पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है मैंने और साइड चेंज किया है यहाँ पे, और अभी तक तो वो फैसला बिल्कुल सही रहा है। 2 गेंदों में 1 रन आता हुआ, जतरान यहाँ पे हैं एक तरफ 4 गेंदों में, 5 गेंदों में 7 कर चुके हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ नबी हैं जो कि काफ़ी तेज खेल रहे हैं। बड़ा शॉट लगता हुआ, प्लेयर
यार ये प्लेयर दूर रहता है प्लेयर और फिर चौका चला जाता है तो चलता है यार, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये दूर था प्लेयर, ये रोका जा सकता था। शॉट, स्पिनर हैं गेंदबाजी में, अब देखना होगा क्या कर पाते हैं। बड़े शॉट की एक और कोशिश, गैप में है इस बार भी प्लेयर आता हुआ, बॉल के ऊपर आया है और हाल फिलहाल 3 रन बचाया है यहाँ पे। ओवर की बात करें तो पहला गेंद डॉट गया है, उसके अलावा सारी गेंदों पर रन आए हैं, तो टोटल 6 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में यहाँ पे। और इस बार शायद कैच ड्रॉप हुआ है और स्टंप गिरा दिया है कीपर ने, ये तो गलत बात है यार। रियल में कई बार क्या होता है, लोकल मैच में कीपर ऐसे ही गिरा देता है और अपील कर देता है, और कितनी बार एम्पायर आउट दिया है उसको, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है और बैट्समैन को भी पता नहीं चला है। ऐसा कई बार होता है लोकल मैचेस में, स्टंप के नज़दीक खड़ा रहता है कीपर, अपने पैरों से बेस हटा देता है जैसे बॉल उसके नज़दीक से गुजरती है, और फिर अपील कर देता है और सेलिब्रेशन कर देते हैं और आउट हो जाता है बंदा। इस बार प्लेयर मौजूद है तो भाई यहाँ पे एक ही रन आएगा। आखिरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है, 148 पे रुका है हाल फिलहाल अफगानिस्तान, और 5 गेंदों में कोशिश करेगा कि 160 कम से कम क्रॉस हो जाए यहाँ पे। बड़ा शॉट है लेकिन प्लेयर से दूर है, 6 जाता हुआ, अभी तक 6 नहीं गया था। फिर गेंद के ऊपर विश्वास दिखाया था कप्तान ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी नहीं कर रहे थे, बहुत खराब भी नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 6 खा के काफी हद तक। और एक बाप, एक और चौका ना जाए यहाँ पे, जी नहीं, 1 रन आता हुआ, 8 रन आए 3 गेंदों में। देखना बहुत जरूरी होगा कि अब किस तरह से खेलती है टीम, ऑफ ब्रेक की तैयारी है, स्टैंडर्ड डिलीवरी रखने वाले हैं यहाँ पे, अपील होगी यहाँ पे। मैं शायद, अरे हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी, ये क्लंप एल भी था क्योंकि मिडल का हल्का सा खड़े हो गए थे बीच में और पैरों पे जाके क्लंप लटक गई है गेंद आगे की तरफ। DRS शायद हो सकता है, ले जी नहीं, नहीं लिया है नजीबुल्ला चित्रान ने, 9 गेंदों में 9 रन, बहुत ही खराब बैटिंग खास करके जब आप अंत के 5 ओवर खेल रहे हो T20 में। रशीद खान कप्तान आए गेंदबाजी करने, मैं पूरी गेंद बाउंस कराई है यहाँ पे, लेग साइड पे खेला है, शॉर्ट प्लेयर मौजूद है तो, अरे डाइव कभी नहीं लगा था, अभी डाइव लगा दी ब्यूटी ने यार, 160 क्रॉस करवा दिया, कभी डाइव नहीं लगाते ये प्लेयर, आज पता नहीं क्यों डाइव लगा दी। और एक और चौक क्या लगता हुआ, महंगे 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 शब्द भाई यूज करने पड़ रहे क्रिस गेल के लिए, बहुत ही खराब ओवर आखिरी, और जो फाइनल स्कोर रखा है ना अफगानिस्तान ने, ये मेरे ख्याल से विनिंग टोटल हो सकता है आज के दिन का, आगे रहेगी यहाँ पे 15 ओवर के बाद खास करके पता चलेगा कि क्या हाल है इस मैच में, कौन सी टीम आगे कौन सी टीम पीछे है। और बेसब्री से इंतजार हो रहा है सेकेंड इनिंग का, शुरुआत हो जल्दी और फिर देखा जाए कि कौन सी टीम एक दूसरे से आगे निकलती है। स्कोर कार्ड अगर चेक करें तो छोटी छोटी इनिंग से अफगानिस्तान ने 164 बनाया है, सबसे हाईएस्ट बने रहमत शाह के 37, उसके अलावा आप मोहम्मद नबी की इनिंग को मैं लगभग उतने बराबर पे रखूंगा रहमत शाह से भी, कि मैं मानता हूँ अच्छी इनिंग है उनकी, 14 में 32 मारे हैं। ओवर की बात करें तो महंगे बहुत साबित हुए क्रिस गेल, 36 में 3 दिया, उसके अलावा अच्छी गेंदबाजी की बात करें कॉटरेल थॉमस, लेकिन मौका ही नहीं मिला कॉटरेल को गेंदबाजी करने का। उसके अलावा नारायण ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, जिस तरह का रिकॉर्ड बन के आया है 164 का, 8 के ऊपर का रन रेट है। और अब क्रिस गेल आएंगे बैटिंग करने, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि मैं इनके साथ ज़्यादा खेल पाऊंगा, 15 ओवर के बाद अगर क्रिस गेल बचे हैं तो भाई सामने वाली टीम के जीतने के कुछ चांस ही नहीं है, ये कन्फर्म है बात। T20 है ये, 5 ओवर हमने खेला अभी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने रिकॉर्ड किया, टेस्ट मैच रिकॉर्ड किया है। और अब यहाँ पे, अरे यार, एक तो ऐसे ही ऑटो प्ले हमारा साथ नहीं देने वाला है, ऊपर से पहली ही गेंद बाहरी किनारा लग के गई है कीपर के हाथों में, कोई गलती नहीं की है यहाँ पे। और मैं मानता हूँ वेस्ट इंडीज को ऑलरेडी समझ लो भाई 10 स्टेप पीछे फेंक दिया है यहाँ पे ये विकेट ने। फर्स्ट बॉल विकेट तो भाई किसी भी टीम का, चाहे छोटा टारगेट ही पीछा कर रही हो, बहुत नुकसान करता है। 10 ओवर का ऑटो प्ले करेंगे हम लोग, अब मैं एक एक ओवर करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है भाई ऑटो प्ले में, 11 12 13, अरे यार एक और विकेट गया है, 14, हालत ख़राब है, इस बार भी हमारी ऑटो प्ले में हालत ख़राब है। रन कितने किए, अरे रे 30 गेंदे 65 रन, पूरा सिनारियो हमारे खिलाफ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अरे प्लेयर मौजूद है यार, पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से,
और डाइविंग कैच तो नहीं कहूंगा लेकिन ऑन एयर कैच था ये, बॉडी हवा में थी जब बॉल और बॉडी हाथ टच हुए तब, और उसके कैच को आसान सा लग रहा हुआ बना के कैच किया है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ऑलरेडी विकेट की कमी है और ऊपर से विकेट भी यहाँ पे हम लोग लगातार खो रहे हैं, ये हमें इस मैच में पीछे ले जा रहा है। अफगानिस्तान अगर जीतता है ये मैच तो वापसी कर लेगा इस टूर्नामेंट में, हम लोग ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं अफगानिस्तान के साथ और यहाँ पे अगर जीतेगा। इस बार गुड शॉट खेला है, गैप में तो है और जी हाँ सिक्स जाता हुआ, काफी क्लोज कॉल है, काफी क्लोज कॉल है। आप देख सकते हैं जो गिरी है वो लगभग होल्डिंग जो एडवर्टाइज होल्डिंग है उसके आसपास के एरिया में ही गिरी है। गेम में अगर ऑप्शन होता शायद टाइम लगाने का तो शायद यहाँ पे कैच होता, देखते हैं हम लोग रिप्ले में। जी हाँ एक्चुअली वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई ये गेम, इससे पहले ही गिर गई है, मतलब कि अगर डाइव का ऑप्शन होता इस गेम में जंप करके अंदर फेंकने का तो जरूर आउट होता। डॉट गेंद खेली है, रन रेट जो है वो 12 के ऊपर जा चुका है। एक्चुअली जब हमारा ऑटो प्ले खत्म हुआ था तभी हमारा रन रेट पहुंच चुका था उसके ऊपर, तो बाकी सब तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे। और इस बार लेट मिस हुए हैं और पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ पे हवा हमें खो चुके हैं, लोगों के गेंदे बल्ले से टकरा के उछलती है यहाँ पर, गेंद स्टंप से टकरा के और कितना बुरी तरीके से उछला है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ब्रेथ में आउट हुए। आखिरी दो विकेट वेस्टइंडीज की उम्मीदें यहाँ खत्म होती है। फील्डिंग सेटअप एक तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा, जिस तरह का फील्डिंग सेटअप रखा है मुझे यहाँ पे बांध के रख दिया है। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि बैट्समैन आप कहाँ शॉट खेलें, आप ऑफ साइड की गेंदें आ नहीं रही है, ज़्यादातर लेग साइड की गेंदें आ रही है, लेग साइड पे ही प्लेयर है, एक दो तीन चार प्लेयर, चारों के चारों प्लेयर लेग साइड के हैं, वो सब के सब यहाँ पे कवर करके बैठे हैं आपकी बाउंड्री। और दो रन का कॉल देने वाला हूँ मैं, मुझे पता है रिस्की है लेकिन भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है अफगानिस्तानी प्लेयर्स की कि भाई यहाँ पर उन्होंने ऑरेंज कैप पहले से सबने पहनी हुई है। यहाँ पे नई फील्डिंग सेटअप, नया गेंदबाज, लेकिन अभी भी मैं मानूंगा ये फील्डिंग सेटअप हमारे खिलाफ ही है। शॉट खेला है प्लेयर के, अरे आज तो यार आउट, कैच ड्रॉप भी नहीं कर रहे हैं, मैं सीरियसली कैच ड्रॉप पर गेंद लगा के बैठा हूँ। इस गेम में बहुत कैच ड्रॉप होते हैं लेकिन आज के दिन जब मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कैच ड्रॉप हो, यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा हाई टावर कैच करते हुए जजई सुनील नारायण गोल्डन डक पे जाते हुए आखिरी विकेट बचा है। ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, हाँ अगर गेंद पूरी तरीके से लेग साइड आएगी तब मैं मार दूंगा लेग साइड। अबे आउट मत करवाना भाई, मुझे और खेलना है। हाँ बच गए यार, मैं सीरियसली खेलना चाहता हूँ 20 ओवर पूरी, आउट नहीं होना चाहता। इस बार गेंद एक्चुअली लेग साइड में बना दी थी मैंने, इसलिए मैंने खेला शॉट, टाइमिंग ओके आया है। रिस्क तो बहुत है यार लेकिन क्या करें, बिना रिस्क के जीतने नहीं वाले हम लोग। अगर हम लोग जीतेंगे नहीं तो यार मज़ा भी तो नहीं है। एक बात और भी है कि भाई हार भी नहीं माननी चाहिए आपको, फाइट करते हुए हारना चाहिए। अगर हार भी रहे हो तो ऐसे हारो कि सामने वाला भी बोले यार अगर इसको मौके दिए होते ना तो ये जीत जाता, ये कहाँ जा रही है गेंद, लेट टाइमिंग जा रहा है, इम्प्रूव करना होगा। इस तरह की गेंदें आपको मिल रही हैं आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास विकेट नहीं है। बैट ज़बरदस्त है यार, मेरे को अपनी बात आधी छोड़ के कहना पड़ा है कि बैट ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बैट डिज़ाइन। देखूंगा कुछ अलग खेलूंगा इस बार। गैप में गया है गेंद, दो रन का कॉल है लेकिन हालात अभी तीन वाले तो नहीं हुए लेकिन दो से ज़्यादा ही हैं। आपको एक गेंद पर दो लेना होगा, एक पर तीन लेना होगा, दो तीन का इस समय बना हुआ है। इस बार सही खेला है शॉट, आइट गुड शॉट है, अरे बाप रे प्लेयर फिर भी पहुंच गया है, सिक्स जाता हुआ 80 मीटर इस बार, तो इस बार तो और नज़दीक है। इस बार अब 75 मीटर दिखा रहा है, ये क्या है भाई, लगता है पहले कुछ और दिखा दिया था, गलत दिखा दिया था, अब सही दिखाया है। जो भी हो यहाँ पे मैं फिर से बड़े शॉट लेने वाला हूँ, लेग साइड पे ही अगर गेंद आती है तो, अरे ये तो बहुत ज़्यादा बात थी। रिप्ले में लाइव में ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर की तरफ आएगी लेकिन आई नहीं है। 17 ओवर 43 रन, अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं जो रन करने हैं, जो एज लगता हुआ सिंगल ही मिलेगा सिर्फ यहाँ पे बॉलर की तरफ किया है तो 17.3 गेंदे हो चुके हैं यहाँ पे। हुसैन थॉमस यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कराएं, क्वार्टर को दिया है मौका, अरे यार फील्डिंग सेटअप
बहुत जबरदस्त फील्डिंग सेटअप। यानी आप लेफ्ट साइड पे तो बंद गए हो, परफेक्ट खेलोगे वो भी 11वें नंबर के बंदे के साथ परफेक्ट खेलना हार्ड मोड में, वो तो और मुश्किल हो जाता है। कोशिश जारी है अभी भी, 15 गेंदे 42 रन, शॉट लगा जरूर है लेकिन टाइमिंग हर बार की तरह काफ़ी लेट आया है। रन रेट जो है वो अब पहुंच चुका है आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 18, क्योंकि 41 रन है, 42 पे हो जाता है 18 का रन रेट पर ओवर। अरे रे, गेंद ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाई है, कैच ड्रॉप कर दे। अरे यार, कई लोगों ने पिछले मैच में कहा था कि यार अफगानिस्तान बेकार टीम है। मैं आपको बता दूं यार, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों को, अगर वो भी खास करके जब छोटा फॉर्मेट होता है ना, किसी भी टीम को कम मत समझो यार T20 फॉर्मेट। हाँ, बहुत रैंक कम वाली टीम है, नंबर 1 नंबर 2 की टीम को आप नंबर 10 की टीम के साथ खिला रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वन साइडेड मैच होगा, लेकिन फिर भी वापसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब छोटा फॉर्मेट होता है। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की टीम को मैं T20 फॉर्मेट में काफ़ी हद तक बराबर मानता हूँ, खास करके एक साल में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है अफगानिस्तान ने प्रैक्टिस करके बड़े टूर्नामेंट में पार्ट लेके, तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। वन साइडेड मैच अगर आपको दिखती है तो वो भी मेरे ख्याल से ख़राब कहलाएगा क्रिकेट में। यहाँ पे सीरीज पूरी हुई है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान में, यहाँ पे अफगानिस्तान ने दूसरा जीता है वो भी 40 रनों से T20, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है। स्कोर कार्ड अगर देखें हम लोग, 1, 2, 3 डक देखने को मिल रहे हैं, तो यही होगा ना यार, चौथा बंदा 1 पे आउट हुआ है, बहुत ही ख़राब। एक्चुअली कोई इनिंग सेट कर ही नहीं पाया, बिल्ड नहीं कर पाया, टॉप ऑर्डर में भी हमें साथ नहीं मिला है किसी का। नहीं तो अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टार्टिंग अच्छी हुई होती है, हमें 30 गेंदों में 65 रन के टारगेट के साथ हम लोग आए थे, विकेट हमारे पास 3 या 4 विकेट बचे थे शायद, जी हाँ 4 विकेट बचे थे शायद, और फिर हमने वहाँ से खेलना शुरू किया था और हमने 24 रन में गंवा दिए थे बाकी के विकेट। रन फिर भी ठीक ठाक बन रहे थे लेकिन विकेट का प्रॉब्लम आता हुआ, 3 विकेट निकाले आलम ने, 2-2-2 निकाला है रहमान, रशी नाइब और नबी ने, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच बने हैं मोहम्मद नबी, डिजर्व करते हैं, 32 रन मारे, 2 बड़े विकेट निकाले, 23 रन दिए सिर्फ, तो भाई डिजर्व करते हैं। अभी के लिए हमारा वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का वीडियो, हमारा गेम प्ले, हमारा प्रिडिक्शन हो रहा है समाप्त। आप लोगों से अब जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।